मिट्टी का टीला ढहने से लगभग आधे दर्जन मजदूर तबे। फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे थे मजदूर। घोरपुर पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा रेस्क्यू। घर मजदूर को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। एक मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। घोरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज फ्लाईओवर का मामला। आप लोग एम्बुलेंस से कितने लोग आए हैं? दो लोग। एक लोग बाद में निकाले हैं। जो दबे हुए थे आप वहाँ थे? हम जब वहीं थे, दबे थे आप वहाँ थे? कौन था इसमें? किस तरह से आपके साथ घटना हुई? हम लोग चार जाल बांध रहे थे नीचे, दो लोगों को ऊपर भेजा था सरिया लाने के लिए। तब तक वो दोनों लोग निकली पाए, पहाड़ी खसक गई। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से वापस आ गए। मैं पूरे मतलब कोई दिख ना रहा था, हमारे इतने हाथ दिख रहे थे। उन्हें हमको खोला, कुछ हमने भी खोला, हाथ खोले थे हमारे, हमने भी खोला, उनने भी खोला। तब तक मशीन बुलाई, जेसीबी मशीन बुलाई। मशीन वाला भी नाटक कर रहा था, वो भी नहीं आ रहा था, वहाँ से नहीं आ रहा था। फिर उसको ज़्यादा सीरियस किया, फिर वो वहाँ से आया। उसके बाद में उसने खुदाई की, एक साइड में टीन का तख्ता पड़ा था, उस तख्ते में लगा दिया, जैसे भी तख्ते में लगा दिया। बोल रहा था एक का पैर में कटने की संभावना थी, टीन के सारे था ना, टीन से कटने की संभावना थी। इस प्रकार से अब कोई मतलब कितने लोग आप लोग थे? हम टोटल लोग छह थे, चार ही दबे थे। हाँ। जिसमें से आप दबे थे और तीन लोग, क्या नाम है उनका? एक का नाम जंटर था, एक का मंजे और एक का है, क्या नाम है उसका, राम निवास नाम। तो उन लोगों की हालत क्या है? वो लोग ज्यादा सीरियस हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया है हमको तो ये नहीं मालूम, फिर भी हॉस्पिटल लग जाएगा, ज्यादा सीरियस है वो लोग। यहाँ पर काम हो रहा था, वो किस काम, क्या काम हो रहा था वहाँ पे? हाईवे टूटा था, उसको नीचे से खुदाई करके ऊपर तक ज्वाइंट करना था, मतलब बाउंड्री बनानी थी। यहाँ तो नीचे आप लोग नींव भर गई थी? नींव भरनी जा रही थी? नींव भर गई होती तो मैं भाग जाता वहाँ से। नीचे भर रहे थे, गड्ढे में थे 7 फीट नीचे, हाथी दिखा रहे थे हमारे पास। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कौन सा गांव? सहरोई। जिला कौन सा पड़ता है? अन्नौज। थाना कौन सा पड़ता है? सहरोई।